हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वीडियो खजाना इस वीडियो खजाना चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है सो फ्रेंड्स चलिए हम स्टार्ट करते हैं अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले दोस्तों उसको आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस लेने इक्वेशंस की जो सभी एक्सरसाइज के सोल्यूशन है इस वीडियो के माध्यम से हम आपको टाइम पे डिलीवर करते रहेंगे चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं

फॉर्म में ला करके फिर आप इक्वेशंस को सोल्व करें चलिए फ्रेंड्स, अब तक जो हमने ऑब्जर्व किया है वो उसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर हम आपको ये स्टेटमेंट शो कर रहे आफ्टर सब्सटन नाउ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम इन फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस दैट इज ए वन यू और बी वन वी प्लस सी वन Now, second, जो हमारी बनेगी अगर हम वन अपॉन एक्स और बी टर्म पुट करते हैं तो हमारी इस तरह बनती है ए टू यू प्लस बी टू वी प्लस सी टू या अगर आप पी और क्यू के टर्म में अगर आप इसको पुट करते हैं तो ए वन पी प्लस बी वन क्यू प्लस सी वन इक्वल टू जीरो हमारा बेस होता है कि हमने उसको एक लीनियर फॉर्म में उसको हमने कन्वर्ट कर लिया है जब हम उसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं हमारी इक्वेशन दोनों लीनियर को तो सबसे पहले आप उसको एलिमिनेट करेंगे किसी भी को या तो आप पी या क्यू ले लें या आपने अगर आपने इक्वेश के अंदर यू और बी अगर कंसिडर किया है तो डेफिनेटली उसको आप यू और बी के को आप एलिमिनेट करें बाय द मैथड ऑफ सुटेबल सब्सिट्यूशन चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन को नैट टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू टू उसके बाद आप नीचे आप आगे बढ़े सोल्यूशन में आफ्टर सुटेबल इन द इक्वेशन तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थोड़ी इस प्रकार से होगी यू अपॉन टू प्लस वी अपॉन थ्री इज इक्वल टू टू अब फ्रेंड्स चूंकि अभी भी अभी हमारी फ्रैक्शन के टर्म में है इक्वेशन डेफिनेटली तो आपको उसको एलिमिनेशन मेथड से इसको एक लीनियर इक्वेशन आपको बनाना होगा चूंकि हमें two, को एलिमिनेट करना है किस तरीके से इसको हम सिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे एल एच एस और आर एच एस साइड को तो so डेफिनेटली आप देखें सिक्स मल्टीप्लाई बाई यू अपॉइंट टू प्लस वी अपॉइंट थ्री टू सिक्स इंटू टू सिक्स अपॉन सिक्स टू अपॉन थ्री एंड सिक्स इन टू टू दैट इज ट्वेल्व तो आप देखो टू से थ्री सिक्स डिविजिबल हो जाएगा थ्री सिक्स से डिविजिबल है, तो है तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन एक लीनियर फॉर्म के ऊपर जनरेट होती है दैट इज थ्री यू प्लस टू इक्वल टू ट्वेल्व उसी प्रकार सेकेंड इक्वेशन को भी हम इसी मैथड से इसी तरीके से जो हमारी सेकेंड इक्वेशन यू अपॉन्ट थ्री प्लस वीट टूज टूटी सिक्स होता है तो आप सिक्स एल एच एस और आर एच एस दोनों में सिक्स से मल्टीप्लाई कर दें बोहोत साइड ऑफ इक्वेश को और आप जब इस इक्वेशन को आप सॉर्ट आउट करते हैं सॉल्व करते हैं इंडिविजुअली टू यू प्लस थ्री वी इज इक्वल टू थर्टीन आपको हमारी सेकेंड इक्वेशन आपको इजिली मिल जाती है इजिली हम फ्रेंड्स इसको क्रिएट कर लेते हैं जब दोनों इक्वेशन जब हमारी क्रिएट हो जाती है तो आप उसको आप देखें दोनों इक्वेश में कि हम इसको किसको एलिमिनेट कर सकते हैं अगर आपने प्लान अगर आपने प्लान कर लिया है कि भैया हम इसको यू uh, या वी किसी भी एक को हमको एलिमिनेट करना है तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आपको ऊपर और नीचे वाले इक्वेश को किसी भी सुटेबल कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जैसे भी हमने यहाँ पे किया है फर्स्ट इक्वेशन को थ्री से और सेकंडन को टू से हमने मल्टीप्लाई किया है तो फ्रेंड्स आपने देखा है इसमें फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी थी उसके अंदर हमने थ्री इंटू थ्री यू प्लस टू भी इक्वल टू थ्री इंटू ट्वेल्व सो नाइन यू प्लस सिक्सलिक्सिकल टू थर्टी हमारी फर्स्ट इक्वेशन अपडेट हो जाती है कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके फिर अब हम वापस इसको सेकेंड इक्वेशन को भी इसी तरीके से हम सॉर्ट आउट करेंगे तो सेकंड इक्वेशन जो हमारी दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद हमारी लास्ट फाइनल फाइनल जो इक्वेशन बन जाएगी जिसमें हम कॉफिशियंट्स को अलग कर सकते हैं सेपरेट कर सकते हैं वो हमारी निकल के आ रही है फर्स्ट इक्वेशन नाइन यू प्लस सिक्स वी इक्वल टू थर्टी सिक्स सेकेंड इक्वेशन में नाइन फोर यू प्लस सिक्स वी इज इक्वल टू थर्टी ट्वेंटी दोनों इक्वेशन में कॉमन हो गया है अब आप इसको एडिश अब आप आपको सब्सट्रैक्शन मैथ दोनों के साइन प्लस में है तो फ्रेंड्स हमें इसको एलिमिनेट करने के लिए सब्ट्रेक्ट ही करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है तो हमने इसको आपने एलिमिनेट कर दिया है यहाँ पर ये यह आप देख सकते हैं बहुत इजी वे में इसको एलिमिनेट होने के बाद लास्ट में जब हम दोनों को जब सॉल्व करते हैं तो फाइव यू इजल टू टेन और यू द हमने u की वैल्यू हमने निकाल ली है सो so फ्रेंड्स जब u की वैल्यू निकल गई है तो आप उसको किसी भी क्वेश्चन में पुट करके v की वैल्यू निकाल सकते हैं हमने यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में यू की वैल्यू पुट करिए और पुट करने के बाद हमने देखो नीचे सोल्यूशन दे रखा है, वो हमने v की निकाल 3U 2V है और फिर इसी इक्वेशन को आप आगे देखते हैं सोल्यूशन के हिसाब से टू 12 टू टीवल टू सिक्स अपॉन टू एंडल टू थ्री हमने फ्रेंड्स वी और यू की वैल्यू जब दोनों वैल्यू हमने निकाल ली है तो हमने जो सबसे फर्स्ट जो हमने माना था वो ये माना था कि x u y so friends, x करें तो डेफिनेटली आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा सो फ्रेंड्स नाउ दिस इज द कंक्लूजन गेटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स टू एंड अपॉन टू वन थ्री बाय रिड्यूसिंग मैथ सो फ्रेंड्स Do डू यू रियली एंजॉय दिस वीडियो ऑफ दिस सोल्यूशन एक्सरसाइज थ्री पॉइंट So क्वेश्चन अगर आपको वीडियो इस सॉल्यूशन के माध्यम से अगर आपको ये पसंद आया हो तो डेफिनेटली इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि आपके और भी फ्रेंड्स इसको बहुत इजीली वे में इसको इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझ सकें और सीख सकें चले फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम दोबारा हाजिर होंगे तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए थैंक यू बाय